You're simply great, yeah. यार ढककर मेरी चाय तैयार हुई कि नहीं? अरे बस तैयार हो गई। यार कितनी देर लगती है? चाय के दूध के लिए बकरी ढूंढने गया था क्या? नहीं, आसाम की चाय के बागान में गया था। बागान के मालिक ने डांटा, मैंने उसको डांट दिया, हुर पत्ती तोड़ ली। अबे ला, क्या कर रहा है? अबे मैंने चाय बनाने के लिए बोली थी। हाँ बोली थी, मगर ये नहीं कहा था कि आपको पीनी भी है। तू देख भगवान, एक मिनट, क्या टाइम बताओ कितना हुआ? टाइम मुझको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं नहीं सीरियसली, अच्छा तू गिलास मेरे को पकड़ा दे फिर बता दे। हाँ टाइम बता। 12। हाँ भगवान तेरे 12 हमेशा बजाए, भांजे चाय। मैं देख लूंगा। अरे देख ले मामा यार, क्या बात है रघु। क्या हो रहा है रघु? कुछ नहीं, बस चाय पीने की शुरुआत कर रहा था। अच्छा मैं कर लेती हूँ शुरुआत, तुम ढक्कन से अपने लिए दूसरी बनवा लो। सासू माँ ये चाय मुझे पीने दीजिए ना, दूसरी चाय बन जाएगी आपके लिए, ढक्कन बनाएगा। चाय बनाने में कितना वक्त लगता है? हाँ, अपने लिए नया दामाद ढूंढने से तो कम ही वक्त लगेगा, है ना? ऐसा मत बोलिए सासू माँ, ऐसा मत बोलिए, कुछ कुछ होता है। चाय पीजिए। अच्छा वह तुमने मुझे चाय दे दी, वरना कोई दूसरा दिल वाला दुल्हनिया ले जाता। और आप हमसे कहती हम आपके हैं कौन? मम्मी जी। अरे मम्मी जी ये टेलीग्राम आया है, लगता है मम्मी जी का है। आप लगता है नानी माँ ने सासू माँ को अपने साथ 2.5-3 साल रहने के लिए बुलाया। शट अप रघु, मुझे टेलीग्राम पढ़ने दे। डियर दुर्गा, नहीं, ओह नो, व्हाट विल आई डू? क्या हुआ समझन? वो इंग्लिश में, आप भी इंग्लिश में। या इज योर मदर गेटिंग मैरिड अगेन? डोंट जोक विद मी समधी जी, उससे भी बोरा हो रहा है। मेरी मम्मी यहाँ आ रही है मुझसे मिलने के लिए 20 साल के बाद। ओह गॉड। बाबा बट आपकी नहीं के अंदर डर कुछ ज्यादा था। देयर वाज समथिंग फिशी अबाउट इट। करेक्ट। वो बात ये है कि अब तक मैं ही दिल्ली जाती थी, 20 साल में वो पहली बार यहाँ आ रही। ओह माय गॉड। लेकिन तो अरे तो मैं कैसे बताऊँ? हाउ डू आई टेल? मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मेरा एक बेटा हो ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। आई लाइड टू हर। इतना बड़ा झूठ आप कभी पकड़ी नहीं गई? नहीं, क्योंकि मैं ही दिल्ली जाती थी ना और कह देती थी कि मेरे बेटे की पढ़ाई है, इसलिए वो नहीं आया। अब वो यहाँ आ रही है, अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। आई विल गेट कॉट। समधन, आप बिल्कुल आराम से बैठिए, आ जाइए रिवॉल्वर तोप के सामने। मेरी मम्मी को जब पता चलेगा सच्चाई का तो न जाने उन पर क्या गुजरेगी होगा। गुजरेगी कुछ नहीं, जब उन्हें पता लगेगा खुद गुजर जाएंगी। सासू माँ डोंट वरी, लुक इन द फ्रंट, दिस इज माय अंकल, ये मेरे मामा जी है ना, ये आपके बेटे बन जाएंगे, ही विल बी योर सन। विल यू प्लीज? वेल इन एनी केस आई वांट टू बी विद यू, आई डोंट माइंड। हैंकी पैंकी जी, आपको बेटा देखकर लोग यही कहेंगे कि माँ बेटे ने साथ ही जन्म लिया। ही इज हॉरिबल। नो ही इज राइट। क्या है वो कि मैंने जैसे मम्मी को बताया है उस हिसाब से मेरा बेटा तो 12-13 साल का होना चाहिए, उसके हिसाब से तो आप थोड़े बड़े हैं ना, थोड़े से। या 12-13 के हिसाब से आई एम स्लाइटली है। स्लाइटली है। ओके 12-13, कोई बात नहीं, कुछ सोचते हैं रघु, चलो। यस समधन, यू जस्ट रिलैक्स। ओके रिलैक्स। अरे प्लीज टू माइंड्स विल थिंक। या कम रिलैक्स। अरे ये मोटे कुछ सोच पाएंगे कि नहीं? मम्मी जी पैसे मत दीजिएगा। तू गोली मार पैसों को, मैं बेटा कहाँ से लाऊं? माय मम्मी आ रही है। मैं सोचता हूँ मामा, पर हम उनकी मदद करेंगे कैसे? अरे यार अपने पहचान की एक नाटक कंपनी है, वहाँ से एक छोकरा उठा लेंगे, उसे समधन जी का बेटा बना के पेश कर देंगे, हफ्ते भर की तो बात है। मेरी माँ बीमार है और उनके लिए दवा भी लेनी है, आपके पास जरा 500 रुपए का छुट्टा आएगा? रघु इसकी माँ बीमार है और इसके पास 500 का छुट्टा नहीं है, दे। मैं देता हूँ बेटा, ये ले, ये है 450, 60, 70, 80, 20 रुपए दे। 20 सालों से 20 का नोट नहीं देगा मामा। 480 यानी 20 रुपए कम। हाँ। ये आपका पर्स कितने का है? ये 60 रुपए का है बेटा। 480 प्लस 60 540। अच्छा ये मेरे को दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको एक चीज देता हूँ, ये चश्मा रेनबो का है, 800 रुपए का। अरे 20 के बदले 800 रुपए। क्या बात है, 20 की चीज 800 में। अब बाकी के पैसे निकालिए। अरे बेटे बाकी के 780 रुपए हमारे पास कहाँ है? तो उसके कोई चीज दीजिए। कोई चीज? रघु, रघु तेरी अंगूठी कितने की है?
1000 रुपए निकाल निकाल दे 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 मामा, सॉलिड डील हो रही है। हाँ, जल्दी। हाँ, 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 अब ला बाकी बचे हुए पैसे हमें दे दे। अब बाकी बचे हुए पैसे आपको दूंगा तो आपसे छुट्टी लेने का मतलब ही क्या हुआ? एक काम करिए, हाँ, ये पेन लीजिए। अच्छा। 460 का है ये पेन। ओ। अब बाकी पैसे निकालिए। बाकी पैसे बेटा, हमारे पास देने के लिए कुछ पैसे बचे ही कहाँ हैं? ये रखिए और चश्मा दीजिए मेरे को मेरा। हाँ, हाँ, इम्पोर्टेड पेन रखिए और ये चश्मा लो। हाँ, और ये लो आपका पर्स। हाँ, और ये लो आपके पैसे। हाँ, मुझे आपसे कोई डीलिंग नहीं करनी, बहुत लोचा हो रहा है। हाँ, मेरे पैसे निकालो। हाँ, और मेरा पेन निकालो। पेन पेन तो तुमने हमें दिया था ना। और ये सारे पैसे और आपका पर्स भी तो लौटाया उसके बदले में। आपसे डीलिंग नहीं करनी, बहुत लोचा हो रहा है मुझसे तो। कुछ गड़बड़ है। हाँ, शुरू से सोचते हैं। हाँ, देख 480 रुपए मेरे पास है। हाँ, और वो चश्मा कहाँ गया? चश्मा मेरे पास नहीं है। और वो पेन? पेन भी मेरे पास नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास थी और हमारे पास नहीं है? ऐसी क्या चीज है मेरे पास? मामा! ए! अंगूठी! पकड़ लिया, पकड़ लिया। अबे ध्यान से। क्यों बे, दांतों के डॉक्टर के दांत निकाल के चल दिया है? एक छोटी अंगुली के लिए बच्ची का गला पकड़ दो। ओ सॉरी मेरी अंगूठी। अबे ओ, ज्यादा शाना मत बन, छोटी सी अंगूठी बोलता है। कान के नीचे एक बजाऊंगा ना, कान बहने लगेगा, नाक से सुनाई देने लगेगा, सारी सिस्टम की वाट लगा दूंगा मैं। ए बेटा। नहीं मामा, सूट नहीं होता। ओके सॉरी। क्यों बे, कौन है तू, तेरा नाम क्या है? नाम है टाइम पास, हाइट है 4'6", बासी रे रंग सांवला। मामा डिटेल में बात करता है। पहले क्या लापता लोगों को ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में था? नहीं रे, वो क्या है ना, जब मैं पैदा हुआ ना, माथा जमीन की तरफ था और सिर आसमान की तरफ था। ओ, वो कैसे? क्योंकि मैं उल्टा लेटा था ना। ओ, रघु, मेरी बात सुन। हाँ, अरे यार इधर। ओ सॉरी। हाँ माँ। लड़का सियाणा है, इसे काम पे लगा दे। कौन से काम पे? अरे यार, समधन का बेटा। मामा, यू आर ग्रेट मामा। चल चलिए। शी, ये मेरा होने वाला बेटा है। शी, ये अपुन के होने वाली माँ शक्ल से तो बैंडेड क्वीन लगती है। अपुन के साथ बिजनेस करेगी क्या? क्या? अबे शाड़े फोड़ डालूंगा, ज्यादा नाटक करेगा तो। बहुत डिसेंट लड़का है सासुमा, बहुत सीधा साधा लड़का है, हमारे काम का है। मामा, मामा, बाहर के दरवाजे की कुंडी कहाँ गई? अरे कहाँ होगी ना बाहर के दरवाजे पर। नहीं है, पता नहीं लोग स्टील की कुंडी क्यों चोरी करते हैं। अच्छा, तो ये स्टील की कुंडी थी, मुझे लगा था ये चांदी की कुंडी है। पकड़ अपनी कुंडी। अरे ये तो चोर है। ए, 1942 अ लव स्टोरी, अपुन को चोर नहीं बोलने का क्या? अपुन का नाम टाइम पास है, समझी क्या? अरे तुम इस टाइम पास को मेरा बेटा बनाकर मेरी माँ के सामने पेश करोगे, ये कैसे होगा भाई? समधन, समधन, मैं हूँ ना, मैं इसको एक दिन में बिल्कुल तैयार कर दूंगा। और प्यार से तो किसी को भी जीता जा सकता है। चल बे, चल। एक मिनट, मैं अपनी होने वाली माँ से जरा गले तो मिल लूँ। चल, देखिए सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समधन, आपका हार। निक्की, हाँ, तुम कपड़े लाए? हाँ हाँ दीदी, ले आइए, ये रहे। हाँ चल, नहा धो के तैयार हो जा। चल। अपुन नहीं नहाता, दिवाली में अभी तो नहीं आता। अबे ए, 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 अबे पकड़ो इसे। अबे हम नहीं चाहते हमारी समधन की अम्मा तुझे गले लगाते ही बेहोश हो जाए। हाँ, नहाना पड़ेगा। चल चल। ए, शेर कभी नहाता है क्या? अबे तो शेर कभी किसी के गले से हार भी नहीं चुराता। चल चल। नहाने से ना कटमरी घिसती है। अबे ओए, बहाने नहीं चलेंगे, नहाना पड़ेगा। निक्की चल, इसे लेके चल अंदर। टॉवल लाओ। ये लो। और मस्त धोना इसको। मर्द कभी ना लेडीज के सामने नहीं नहाता है। अबे वो 2.5 फुट के मर्द मारूंगा ना कान के नीचे तो और छोटा हो जाएगा। चल अंदर। ए मैं नहीं आता। अबे ये अपुन को भी आता है। ऐसे नहीं मानेगा। चल चलो। अच्छा ले 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 अंदर ले। अरे क्या कर रहे हो? बैठ इधर, बैठ। नहला दिया बच्चे को? हां, और बच्चे ने हमको भी नहला दिया। मेरी छोटी सी खोपड़ी में एक बात समझ में नहीं आ रही। 1942 और लव स्टोरी का बच्चा बनाने के लिए मुझे नहलाया क्यों जा रहा है? ये देख, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 5000 रुपए तुझे मुफ्त में नहीं, 5000 रुपए तुझे मुफ्त में नहीं मिल रहे। शक्ल सूरत से और आदतों से तू भले खानदान का लड़का दिखना चाहिए बस। जीजू, इसका नाम टाइम पास से बदल के कुछ अच्छा सा रखना पड़ेगा। टाइम वेस्ट कर दो। शट अप ढक्कन। ओके, इसका नाम हम लोग घनश्याम शुक्ला रखते हैं, नाना जी का नाम है। हाँ। नानी जी सुनकर बहुत सेंटी हो जाएगी। सेंटी हो जाएगी। ठीक है, बोल तेरा नाम क्या है? जो नाना जी का नाम था। नाना जी का नाम क्या था? घनचक्कर शुक्ला। हंसो मत।
और घनचक्कर शुक्ला नहीं घनश्याम शुक्ला, ओके? अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना आता है? हाँ आता है। ठीक है, वो एक दो तीन सुना। हाँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस गुलाम बेगम बादशाह। अरे तो ताश के पत्ते गिन रहा है। अरे भाई दस के बाद ग्यारह नहीं बोल सकता था? जब टाइम आएगा तभी तो बोलूंगा, फालतू में अपनी जीभ को राइट लेफ्ट घुमाऊं। हाँ ठीक है ठीक है, इंग्लिश आती है क्या? इंग्लिश थोड़ी बहुत। हाँ आती है। सुनाओ। नो एंट्री नो पार्किंग वन मे लंच पार्टी डिनर पार्टी। अच्छा सुनो, इसको तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। बोलो हेलो हाउ आर यू। हेलो यू। आखिरी रोटी का आखिरी टुकड़ा है क्या? नहीं नहीं बेटा, हम ये देख रहे हैं कि तुम खाना कैसे खाते हो। जैसे सब लोग खाते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या दूसरा स्टाइल चलता है खाने का? अबे तेरी तो चुपचाप खा, फोड़ डालूंगा। छी, ए मुंह बंद कर, चुपचाप खाना खा। ए, अगर आवाज करके नहीं खाऊंगा तो अपुन को कैसे मालूम चलेगा कि अपुन खा रहा है? ओह माय गॉड, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, ये हमको जरूर पकड़ लाएगा। रघु मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मामा, नानी माँ को 100% पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। कह देंगे ना कि ये डिफेक्टिव पीस है, सेल का माल है। मम्मी जी, रघु साहब का दिमाग जहाँ लगेगा वहाँ ऐसा ही होगा। सासू माँ आखिरी चांस, सासू माँ आखिरी चांस। ओके ओके चल भी ऊपर चल। ए अब उनको खाना तो खाने दे पागल। पागल किसको बोला भी तू? चल ऊपर खाना, बाद में खाना। चल अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? बाहर तो तू बोल रहा था ये नाटक आराम से कर लेगा, अभी यहाँ क्या हो गया? ये रोड वाले वायदे से मुकर रहा है मामा जी। क्या नाटक है बे तेरा? ये छोटे मोटे नाटक तो आप उनका बयात का खेल है क्या? पर तुम टपरी लोग को मैंने जो तुम लोग का कीमत बताई थी ना, वो कम थी। ये बंगले की बात ही कुछ और है। अरे ढाई करना पड़ेगा क्या, समझा? तो दाल में यहाँ काला है बेटे। तुझे देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। जीजा जी, जीजा जी, नानी माँ आ गई। मेरी बेटी, मेरी रानी, मेरी राजकुमारी, क्या क्या बोलूं तुझे? अरे कहाँ है मेरे घर का चिराग? चिराग में ऊपर तेल भरा जा रहा है मम्मी। थकान। ओ मम्मा, अभी तो आप आई हो, पहले नहा धो लो, कुछ खा लो, फ्रेश हो जाओ, फिर चिराग से मिल लेना मम्मा। अरे कैसी बात कर रही हो, मैं तो उसे अभी मिलूंगी। कहाँ है मेरा बेटा? अरे बेटा, बेटा। आया नानी। अरे मेरा बेटा कैसा है तू? मेरा चिराग। नानी माँ चिराग नहीं, मेरा नाम है घनश्याम। अरे तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। ये निर्मोही जब भी दिल्ली आती है अकेली चली आती है। जाने दो नानी माँ, ये 1942 लव स्टोरी को जाने दो। मेरा मतलब है कि मेरी मम्मी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को नानी माँ के घर जाना, नानी माँ के घर जाना, पर कोई मेरा सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, चल अभी हम लोग दोनों बैठ के ढेर सारी बात करेंगे। क्या नानी माँ, आप भी इतना लंबे सफर से आई हो, अभी थोड़ा आराम तो कर लो। तुझे मेरी इतनी फिक्र बेटा। अरे ओ मैडम, मेरा टैक्सी का पैसा तो दो। हाँ देते ही ना। अरे टाइम पास तू यहाँ, अरे यहाँ क्या कर रहे तू? भाई साहब आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये कोई टाइम पास वाइम पास नहीं है, ये दुर्गा देवी का बेटा घनश्याम है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, पिछले 4 सालों से उसको जानता हूँ, मेरे मीरा रोड में रहता है। अच्छा, इसका मामा जो है अपुन का दोस्त है। अच्छा, भाई साहब आप तो सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है, आपका इलाज कराना पड़ेगा। आपका भाड़ा आपको बाहर टैक्सी के पास मिल जाएगा। अरे कहाँ कर ले, क्या हो रहा है? पागल है मम्मा। नानी माँ कुछ नहीं, चलो आप ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ मम्मा, आराम आराम से आराम करना। मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा ना बेटा? हाँ नानी माँ बिल्कुल। अरे मैं तो इतना चाहती हूँ मेरी आग बंद होने से पहले तेरे सर पे सेहरा बन जाए। ऐसा मत कहो नानी माँ। अरे पा लड़का शेर है सासू माँ, 2 मिनट में नानी माँ पे जादू कर दे। जैसे ही चलता रहे ना तो इसको जितना मांग रहा है डबल पैसे देंगे। नहीं नहीं देखो भाई, ऐसा है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जहाँ भी होगा वापस आ जाएगा। वो सब मेरे को मालूम नहीं,
मेरा बच्चा अबिच के अबिच मांगता है, मेरे को अंदर जाके देखने दे, वो टाइम पास है कि कोई और है? अरे रे, तेरा टाइम पास यहाँ कहाँ होगा, तेरा टाइम पास तो लेडीज बार में होगा। नहीं नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, ये बताओ कि तुम्हारा टाइम पास दिखता कैसे? ओ छोटा सा है, 12-13 साल का सांवला दिखता है, लंबे लंबे बाल, कद 4 फुट 6 इंच, होली दिवाली पे नहाता। सही कह रहा है। अरे यार तो ऐसा बोलो ना, उसको तो कल मैंने वीटी स्टेशन में देखा, श्रीलंका जाने वाली ट्रेन में बैठा हुआ था। श्रीलंका जाने वाली ट्रेन में? वो बचपन से पैदा होते ही मेरे को बोलता था मेरे को रावण के गांव में जाने का है। ए लोटे, तू सही बोल रहा है ना? आज तक नहीं बोला। क्या? नहीं गलत, आज तक नहीं बोला। अरे भैया यहाँ क्या खड़े हो, जाओ देखो ट्रेन शायद अभी भी खड़ी हो, जल्दी जाओ जल्दी, चल टैक्सी निकाल, चल जल्दी, बाद में देखूंगा मैं, चल। कहाँ हो तुम भाई, कहाँ हो मुंडा, ये कहाँ हो तुम? चीटिंग नानी माँ, चीटिंग नानी माँ, अपने अपनी आंख से पट्टी को निकाली नानी माँ। अरे इतनी दूर से क्या मैं आंखों पे पट्टी बांधने आई हूँ? तुझे जी भर के देखने को आई हूँ नानी माँ। सासू माँ, ये क्या आपकी आंख में आंसू? पहली बार बम को लीक होता हुआ देख रहा हूँ। मुझसे अपनी मम्मी की ममता देखी नहीं जा रही है। रघु, हम कितना गलत कर रहे हैं ना मम्मी को धोखा देकर। सासू माँ, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बस कुछ दिनों की बात है। हे भगवान, मेरी मम्मी की रक्षा करना, इस उम्र में उनको कोई शौक मत देना, अगर किसी को शौक देना है तो इसको देना। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? अरे मैंने बड़ी मुश्किल से उनको यकीन दिलाया कि भैया ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये कोई और है। घनश्याम बेटा, घनश्याम रुक जा बेटा। अरे यार, इसका आयला गैला मरवाएगा अपुन को। मामा, मेरा मतलब हमको। अरे बाबा रुक जा बेटा, मेरी सांस फूल रही बेटा। आ ना बेटा, गले लग जा बेटा, आ जा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये नानी माँ बार बार इस बच्चे को गले क्यों लगा रही है? चुपेट बहुत दिनों के बाद मिल रही है ना, इसलिए बार बार प्यार उमड़ रहा है। भौंजे, तू इस महल में क्या कर रहा है? चल तू। आप? मैं नहीं तो और क्या, इस लोटे ने मेरे को सेंडी लगाया, इसने बोला तेरा भांजा ट्रेन में बैठ कर चला गया, वो तो रास्ते में टैक्सी में मेरे को ख्याल आया कि बंबई से श्रीलंका की तो कोई ट्रेन ही नहीं है। लोटे, तेरे को फोड़ा लूंगा मैं। क्या हो क्या रही है? कुछ नहीं मम्मी, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। जिसको जाना है जाओ, मैं अपने बच्चे को लेकर चलता हूं। अरे ये तुम्हारा भांजा नहीं है, ये मेरा नाथ है, मेरे बेटे का बेटा, इस घर का चिराग। अरे चिराग विराग कुछ नहीं है, ये तो 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, चल बे। अरे ये क्या कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं इसको? अरे देखो, छोड़ो यार। बस मामा, इट इज ऑल ओवर। यस, देखिए देखिए सीनियर सासुमा, जूनियर सासुमा ने आपसे झूठ बोला था कि उनका कोई लड़का है, और उस झूठ को छुपाने के लिए हमें ये सब नाटक करना पड़ा। ये समधन जी का बेटा नहीं है। चल बे। मुझे आपके साथ रहना है। छोड़ बेटा, एक मिनट में इतनी खुशी दी और एक मिनट में सब कुछ छीन लिया। सुनिए भाई साहब, इसे हमारे पास ही रहने दीजिए, हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे। हाँ भाई साहब, मेरी मम्मी इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, देखिए ना कितना प्यार करती है वो इस लड़के से। प्लीज छोड़ दीजिए। एड़े बनकर पेड़े खा रहे हैं क्या आप लोग? लोग क्या कहेंगे कि बिना माँ बाप का बच्चा, इसलिए मामा ने बेच दिया। चल बे, देखिए हम इसे देने के लिए तैयार हैं। मगर एक शर्त पर। क्या?